क्या हो रहा था श्वेता? प्रणाम सर। क्या प्रणाम सर, बता हुआ था? बता बता रहे सर। प्रकाशरण बता रहे हैं सर, डायग्राम बताए थे। डायग्राम ऑफ कलियुगीय ऑलिगोपोली का निम्न लागत फर्म मूल्य नेतृत्व, एक डायग्राम बचा हुआ था ना। ये सर एक डायग्राम से बताए थे। एम आर बराबर एम सी रूल निम्न लागू होता है। दूसरा ये था सर, पहला वाला लो कॉस्ट फर्म प्राइस लीडरशिप वाला, दूसरा था बैरोमेट्रिक फर्म प्राइस लीडर। बायोमेट्रिक तो वो लैंग्वेज है नहीं। अच्छा सर, ठीक है सर। तो ये पहला वाला में सर और दूसरा डायग्राम भी होगा। दूसरा वाला क्या नाम? एक है सर लार्ज एंड डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडर, कल जो सर बताए थे वो लो कॉस्ट फर्म प्राइस लीडरशिप का था डायग्राम ना। तो बता दिए थे ना। यस सर। तो अब तीसरा है लार्ज एंड डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडर, लार्ज एंड डोमिनेंट फॉर्म तो प्राइस लीडर। प्राइस लीडर अंडर अंडर कोलिजिव ऑलिगोपोली, पड़ोसी कोलिजिव ऑलिगोपोली। लिख लिख कपट संधि अल्पाधिकार एक फर्म के तो बेहद आकार का है तथा अधिक से अधिक के पास है, तब वह अल्पाधिकार में अपने अल्पाधिकार में नेता फर्म बन जाता है। और वह अपने अधिकारी फर्म के
कार्य फर्म की तरह व्यवहार करता है। एमआर बराबर एमसी निर्धारण में लागू करता है। मनीषा जरा पढ़ो तो बोर्ड को। श्रीमान, कपट संधि अल्पाधिकार में एक फॉर्म जो बृहद आकार का है तथा अधिक से अधिक वित्त उसके पास है, तब वह अल्पाधिकार में नेता फॉर्म बन जाता है और वह नेता फॉर्म एकाधिकार फॉर्म की तरह व्यवहार करता है। एमआर बराबर एमसी रूल को मूल्य निर्धारण में लागू करता है। इसलिए यस सर, मनीषा लिख ली जी सर, है जी सर लिख ली। हेमा लिख ली? यस सर लिख ली। देखिए इसमें फर्म जो है ये नेता फर्म है, मार हुआ यही जो है लार्ज एंड डोमिनेंट फर्म। लार्ज एंड डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडर। उसके बाद यहाँ पर उसके बगल में अल्पाधिकार, अल्पाधिकार कपट संधि तो यहाँ पर एमआर इज इक्वल टू एमसी है। पर ले जाएंगे
यही प्राइस हो गया। सर एमआर के ऊपर जो रेखा है सिर्फ आर ही रहेगा, वो एमआर के ऊपर जो एक रेखा है एमआर और आर, ए आर होगा कि एम आर और ए आर है जी। अब इसको प्रॉफिट होगा कितना, पी पी एफ मैक्सिमम लाभ हो रहा है। फर्म को पीईएफटी प्राप्त हो रहा है। अब नेता फर्म कितना बेच रहा है, ओ एम, ओ एम दूरी, हेलो इसका नाम दे देते हैं ए बी, तो डिमांड सप्लाई का खींचने का तरीका क्या है, पी रेखा को पी रेखा को ले जाएंगे
नेता फर्म कितना बेचेगा, ए बी, अब फॉलोअर फर्म कितना बेचेगा, पी ए, तो बाएं वाला चीज से पता चलता है, दाएं वाला चीज से पता चलता है नेता फर्म बेचेगा कितना, ओ एम, ओ एम बराबर है ए बी, ओ एम जो है वही एरिया बराबर ए बी लिया गया। सरन जी सर, एक अधिकारी ये नेता फर्म जो है वो कितना उत्पादन करेगा, ए बी, और उसको दूसरे चित्र में दर्शाया गया है जी, उसका क्वांटिटी है ओ एम। यस सर, नेता फर्म इस पहला वाला डायग्राम में ओ एम उत्पादन है, उसी को ए बी नाम दिया गया ओ एम को। अच्छा जी सर, और उसको जो प्राइस लाइन है वो नेता फर्म का लाइन ही प्राइस का सीधे चला गया अल्पाधिकार में। अच्छा, अल्पाधिकार में चला गया, मूल्य हो गया ओपी। तो यहाँ सर डिमांड सप्लाई सर ये है, नहीं डिमांड सप्लाई का बनाने का तरीका है कि पहले ओपी हो गया जी, एपी ए बी का जगह पहले काट, अच्छा बी का जगह फिक्स कर लो, तब एक ए से सप्लाई कर को पास कराओ, अब बी से डिमांड कर को पास कराओ, ऑटोमेटिक जो है डिमांड सप्लाई का कटिंग यहाँ हो जाएगा, ये कटिंग जो है इसके बराबर में होना चाहिए। किसके बराबर में सर? क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेता फर्म का जीरो हो जाएगा, यहाँ पर नेता फर्म का कितना हो जाएगा, जीरो, टी बिंदु पर नेता, टी बिंदु अगर प्राइस होगा तो नेता फर्म जीरो बेचेगा, यहाँ देखो टी बिंदु पर नेता फर्म का क्या है, जीरो है, जीरो है सर। हेलो, की बात को, यस सर, कि नेता फर्म जो पहले है, पहले इस पहला डायग्राम में जो प्राइस निर्धारण हुआ वही अल्पाधिकार में वही मूल्य निर्धारण हुआ, इसमें ओ एम उत्पादन है, उसमें ए बी उत्पादन किया है, अगर उसके ऊपर अगर टी बिंदु पर जाते हैं तो वहाँ नेता फर्म कुछ भी नहीं बेचेगा, वहाँ जीरो हो जाएगा, वो दाहिने साइड से ही लिया गया है। अच्छा जी, जो टी है उसी हाइट पर है, टी उसी हाइट पे है, यस सर, टी के हाइट पर बिंदु लगा के जी है ना जी, तब क्रॉस कराओ, यस सर, उसी को नजर बनेगा, मार्केट पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार अगर हो जाएगा जी, डिमांड सप्लाई लागू होगा, यस सर, पूर्ण प्रतियोगिता में का बाजार है, नहीं ये बाजार नहीं है सर, अल्पाधिकार का, अब वस्तुतः अल्पाधिकार भी नहीं है, ये एकाधिकार बनाए हुआ है अपना पावर, यस सर, नेता फर्म जो है और अपने पावर से वो एकाधिकार का सब सुख प्राप्त कर रहा है, एम आर बराबर एम सी नियम लगा के ई एफ जी, यस सर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा लिया, ई एफ जी, यस सर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, ए बी का वस्तु बेच रहा है पूरे बाजार जी, और ये वस्तु छोड़ दिया, ये वस्तु जो है मांग का करता है किसके लिए, फॉलोअर फर्म, जो फर्म को लीडर मानता है जी, अब वो ओपी मूल्य पर पीए बेचेगा, पीए ये एरिया का है फॉलोअर फर्म, पीए फॉलोअर फर्म का है सर, यही हो गया मूल्य हो गया ओपी, मूल्य हो गया
ए प्लस ए बी बराबर ई बी, यही हो गया कुल मान। और ये जो है फॉलोअर फर्म, और फर्म की मान ए बी जो है नेता फर्म, नेता फर्म की मान। यही हो गया अल्फाधिकार कपट संधि में लार्ज एंड डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडर जब होगा तो उसका निर्धारण, मूल्य का निर्धारण जो है लार्ज और डोमिनेंट फर्म करेगा। लार्ज एंड डोमिनेंट फर्म का निर्धारण करेगा। लार्ज एंड डोमिनेंट फर्म जो है, बड़ा फर्म जो है, ताकतवर फर्म जो है, वो एकदम एकाधिकार के तरह रूल करने लगेगा और अपने अंडर में रखेगा जो उसका बात माने। पूरे बाजार में वो ए बी माल को भेजेगा जो कि ओ एम के बराबर है। ओ एम जो उसका माल है वही लेफ्ट साइड में ए बी के बराबर होगा। yeah. नेता फर्म को लाभ मिल रहा है PEFG। सर ये वाला एक बार समझा दीजिए ना। PEFG जी हो गया। अरे EMR बराबर MP है तो ये ऊपर उठा मिल के प्राइस हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गया, और को घेर दी तो TR माइनस TC हो गया। TR कितना हो गया? लाभ जो हम लोग का होता है क्या होता है? TR माइनस TC। TR यहाँ क्या हो रहा है? OMEP TR हो गया। यस सर, OMEP TR हो गया और OMFG TC हो गया। बाजार में जो मूल्य होगा वो नेता फर्म जो कहेगा वही होगा। यस सर, नेता फर्म जो निर्धारित करेगा, नेता फर्म जो मूल्य कहेगा वही होगा। जी, और कौन सा मूल्य कहेगा? MR बराबर MC नियम पर वो अपना लाभ को अधिकतम करेगा। लाभ को अधिकतम करने के बाद ही वो बाजार में नेता कहलाए। अपना लाभ उसका अधिकतम होगा, बाजार का शेयरिंग भी सबसे ज्यादा करेगा, और तब तब छोड़ देगा जो बचा हुआ है वो फॉलोअर फर्म। अल्पाधिकार जिंदा रखना है इसलिए 2-3-4 को फर्म को वो अलाउ कर लेगा, लेकिन अपना वो सबसे ज्यादा लाभ कमाएगा, अपना सबसे ज्यादा उत्पादन करेगा। और बाजार में किसी को से कम दाम पर बेचने का औकात नहीं है, ऊंचे दाम पर बेचने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जो एक अधिकारी फर्म का विशेषता लिए हुआ नेता फर्म है,
लार्ज एंड डोमिनेंट प्राइस लीडर का बात सब मान रहा है। अभी हम लोग के देश का कौन है लीडर जिसका बात सब मान रहा है? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। क्या बोली? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हेमा को ज्यादा पता हो। बिहार में किसका था पहले? बिहार में पहले था लालू प्रसाद यादव। बदल गया प्राइम मिनिस्टर ना, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बदल गया, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का बदल गया। हाँ, पाकिस्तान का बदल गया। ये चित्र एकदम आसान इसलिए है जो मोनोपोली में पढ़े हुई हो वही चित्र है पहला वाला। उसका बाएं साइड में बनाते समय ध्यान रखना है टी बिंदु पर बाएं साइड का टी बिंदु हो और पी बिंदु पर बाएं साइड का पी बिंदु हो, एकदम ओरिएंटल लाइन होगा। पी बिंदु जो होगा उससे डिमांड कर पास कराओ, टी बिंदु से सप्लाई कर पास करें। निशा समझ गई ना? जी सर समझ गई। हेमा? यस सर। दैट्स ऑल, ये अब ओलिगोपोली समाप्त हुआ। ओके सर। प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग। प्रणाम सर। प्रणाम सर। तुम्हारे पास बच्चा है क्या? हाँ नहीं दीदी, श्वेता दीदी के पास है। हाँ दी है बाबू, दीदी का बाबू है, आई है लगता है। यस सर, ओलिगोपोली समाप्त हो गया सर।